वॉट कम नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज अ कस्टमर किसी ऑनलाइन स्टोर पर गया और मैंने एक ट्रांजेक्शन कम्प्लीट कर ली मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया और जो टाइम कमिट किया था मुझसे शॉपिंग कार्टे या आ, जो कंपनी थी उन्होंने मुझे टाइम पे डिलीवर कर दिया एंड आई एम अ कंटेंट या आई एम अ हैप्पी अ कस्टमर अब जो कंपनी है उसके जरा व्यू पॉइंट से सोचें कंपनी है उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है टू इंक्रीज द कस्टमर बेस या आसान लफ्जों में उन्होंने अपनी सेल इंक्रीज करनी है किसी भी नॉर्मल कंपनी की तरह दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स ताकि उनके रेवेन्यूज़ जंप करें अब यहां पे दो चीजें जो कि आपको समझनी है एक चीज यह है कि जब आपने नए कस्टमर बनाने होते हैं दिस इज नॉट ईजी थिंग नए कस्टमर अपनी अपने शॉपिंग कार्ड के लिए क्रिएट करना इट नीड इट नीड टाइम इट नीड एफर्ट एंड टाइम एंड एफर्ट इज एक्चुअली यू नो इन्वेस्टमेंट सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप नए कस्टमर बना रहे हैं वो ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं बनेंगे इट विल टेक सम टाइम और उसमें इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी चीज़ इन्वेस्टमेंट होगी अब पैसे की एफर्ट की और वक्त की ये तीन चीज़ों की इन्वेस्टमेंट होगी ओनली देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर मार्केटिंग करेंगे उन्हें कोल्ड कॉलिंग करेंगे ई मेल जनरेट करेंगे एस एम एस मार्किटिंग करेंगे आपको आजकल बहुत ज़्यादा एस एम एस आ रहे होते हैं ताकि आप नए जो क्लाइंट्स हैं उनको अपनी शॉपिंग कार्ट का या अपने सिस्टम का पार्ट बना सकें दैट वन एस्पेक्ट सेकेंड एस्पेक्ट जो आपको समझना है एक टर्मिनोलॉजी होती है रिपीट कस्टमर ये बड़ा बड़ा कॉमन वर्ड होता है मार्केटिंग में आसान लफ्ज़ों में जैसे मैंने एक चीज़ सक्सेसफुली ख़रीद ली है एक शॉपिंग कार्ट से एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद यू नो द शॉपिंग कार्ट तो जो कंपनी है वो दोबारा मुझे आ, अनेबल करे कि मैं चीज़ें जाके दोबारा ख़रीदूँ रिपीट कस्टमर कि एक कस्टमर जो एक बार चीज़ ख़रीद गया है वो दोबारा वेबसाइट पे आए और वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग करे ये चीज़ आ, अनेबल करवाना रिलेटिवली इजी है वर्सेस नए कस्टमर जनरेट करना क्यों इजी है दो तीन इसकी रीजन है एक कस्टमर जिसका ऑलरेडी ट्रस्ट बन गया होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर उसको उसके लिए नेक्स्ट टाइम परचेज करना लेस रिस्की होता है तो वो वो ज्यादा पैसे भी यानी ज्यादा चीज भी खरीद सकते हैं क्योंकि उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल एक ट्रस्ट लेवल बन गया हुआ है तो इस तरह के कस्टमर्स को अट्रैक्ट uh, किए रखना एक चीज़ होती है लॉयल्टी प्रोग्राम लॉयल्टी प्रोग्राम ये होता है कि आप अपने कस्टमर को उसकी परचेज़ के ऊपर कुछ बेनिफिट दे देते हैं ताकि वो दोबारा आपकी वेबसाइट में आने का उसके पास कोई इंसेंटिव हो यानी उसको ये पता हो कि मैं अगर ज़्यादा स्पेंड करूँगा तो मुझे कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू कुछ मुझे यू uh, नो you know, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे या कुछ मुझे बल्क uh, शॉपिंग के ऊपर मुझे चीज़ सस्ती मिलेगी एंड सो ऑन सो इसको बोलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम लॉयल्टी प्रोग्राम का सिंपल एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने रिपीटिंग कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना अब दूसरा होता है कस्टमर को ये आपने मैसेज पहुंचाना कि यू विल बी रिवॉर्डेड मोर इफ यू विल स्पेंड मोर यानी आप ज़्यादा खर्चोगे तो ज़्यादा आपको फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट्स मिलेंगे या ज़्यादा आपको नेक्स्ट टाइम विजिट के ऊपर आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे तो ये वन लाइन एजेंडा होता है लॉयल्टी प्रोग्राम का बड़ा कॉमन तरीका बड़ा कॉमन लॉयल्टी प्रोग्राम है अ पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम ये बहु, बहुत बहुत कॉमन है इवन फिज़िकल शॉप्स में भी इवन ऑनलाइन शॉप्स में भी जो अच्छे ब्रांड्स हैं ये करते क्या है बड़ा आसान सा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्स अमाउंट की परचेज की उन्होंने मुझे वाई रिवॉर्ड पॉइंट दे दिए और उन्होंने कहा शॉपिंग कार्ट वालों ने या कंपनी ने कि जैसे ही आपके जो पॉइंट्स हैं लेट सपोज हंड्रेड क्रॉस कर जाएंगे तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा नेक्स्ट परचेज के ऊपर अब ये देखने में बड़ी माइनर चीज है लेकिन अगर इसको आप साइकोलॉजिकली देखें तो अगर लेट सपोज मैंने नेक्स्ट परचेस करनी है तो नेचुरली मेरी टेंडेंसी होगी कि मैं उसी शॉप से परचेस करूं जहां मेरे रिवॉर्ड पॉइंट ज्यादा होंगे ताकि मुझे डिस्काउंट मिल सके ये ह्यूमन साइकी है एक बात आप लोग सारे बेसिक समझ लें मार्केटिंग जो है बेसिकली ह्यूमन साइकी से प्ले राउंड करने का नाम है आसान लफ्जों में तो दे प्ले राउंड विद ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर। सो so, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपने जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा आपको मिलेंगे अगर आप शॉपिंग ज़्यादा करेंगे नंबर वन नंबर टू इस चीज़ की यानी लॉयल्टी प्रोग्राम की जो पॉइंट्स हैं उसकी वैल्यू उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक टर्मिनोलॉजी है सोशल शॉपिंग आसान लफ्जों में कि मैं किसी वेबसाइट पर गया मेरे कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल वन थाउजेंड रिवॉर्ड पॉइंट्स मुझे मिल गया फॉर एग्जाम्पल अब मैं सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू अपने शॉपिंग के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो मैं शेयर कर सकूं साथ किसी फ्रेंडलिस के साथ फ्रेंड के साथ या किसी पीयर के साथ तो जस्ट इमेजिन कि आपका इससे नेटवर्क कितना इंक्रीज होगा वाइस वर्षा जो ब्रांड है जो कंपनी है उसको एक्चुअली पोटेंशियल यूजर मिल रहे हैं यानी आपका एक एग्जिस्टिंग यूजर आपके बिहाफ पे आपके दिए हुए इंसेंटिव प्रोग्राम को अपनी पीएस के साथ शेयर कर रहे है, तो आपको एक नया होल रेंज ऑफ न्यू कस्टमर्स आपके लिए एक्सपोज हो रहे हैं तो यह बात है बहुत सिंपल सी लॉयल्टी प्रोग्राम लेकिन इसकी जो रीच है जो आउटरीच है वो बहुत ज्यादा है क्या आप एक कस्टमर को इंसेंटिवाइज करें वो आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली और ज्यादा लोगों को आपके नेटवर्क यानी आपके जो फॉर एग्जांपल जो आपका प्लेटफॉर्म है या जो आपका शॉपिंग कार्ट है या जो आपका ऑनलाइन स्टोर है उस उस इकोसिस्टम में लेके आएगा क्योंकि यू आर एक्चुअली इंसेंटिवाइजिंग ओनली वन कस्टमर एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग मोर कस्टमर तो जो हमने शुरू में बात की थी कि नए कस्टमर्स को लाना मुश्किल होता है इन्वेस्टमेंट भी होती है टाइम भी लगता है और एफर्ट भी लगती है तो अब यहां देखें लॉयल्टी प्रोग्राम से आप एक तो रिपीटिंग कस्टमर वाली चीज अचीव कर रहे हैं दूसरा न्यू कस्टमर का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इसे अचीव कर रहे हैं सोशल शॉपिंग के थ्रू सो लॉयल्टी प्रोग्राम इज अ वेरी गुड वे टू हैव मोर रिपीटिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर